नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज। वक्त हो चला है दिल्ली की बड़ी खबरों का। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। सुबह सुबह एक्शन में दिखी दिल्ली सरकार। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली की टूटी सड़कों को ठीक करने को लेकर सीएम आतिशी को सौंपे गए मांग पत्र के बाद से आप सरकार एक्शन में दिख रही है। इसे लेकर सीएम आतिशी के नेतृत्व में आज से पूरी कैबिनेट स्थानीय विधायकों और पीडब्ल्यूडी के अफसरों के साथ सुबह 6 बजे से दिल्ली की सड़कों पर है। 8 दिन तक कैबिनेट सड़कों का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपेगी। उसके अगले सप्ताह से सड़कों को बनाने का काम शुरू होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्टूबर में पूरी कर जाएंगी दिल्ली की सभी सड़कें। वहीं 18 सदस्य वाली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के 6वें मेंबर के चुनाव में आम आदमी पार्टी अनुपस्थित रही, तो बीजेपी के प्रत्याशी सुंदर सिंह तंवर निर्विरोध रूप से जीत गए। यानी आम आदमी पार्टी के 8 सदस्य और बीजेपी के 10 सदस्य स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुन लिए गए हैं। लेकिन 10 सदस्य होने के बावजूद बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी के 6वें मेंबर का चुनाव भले ही भाजपा ने जीत लिया हो, लेकिन आगे की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि कमेटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चुनाव की अनुमति एमसीडी एक्ट के हिसाब से मेयर को देनी होती है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या आपकी मेयर इसकी इजाजत देंगी। वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए खास तैयारी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को रोकने के लिए खास तैयारी की गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेप की उप समिति का गठन किया है। इसमें प्रदूषण और मौसम विभाग के अधिकारियों के अलावा एनसीआर जिलों के प्रदेशों के प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। इस बार अक्टूबर की शुरुआत होने से भी 12 दिनों पहले ग्रेप लगाने की घोषणा की जा चुकी है। वहीं राजधानी दिल्ली में ई रिक्शों पर कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। इसी क्रम में अवैध और फिटनेस प्रमाण पत्र रहित ई रिक्शा के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया। विभाग अब लाइसेंस प्राप्त ई रिक्शा को भी उठाएगा जिनकी फिटनेस नहीं हुई है। दिल्ली में लगभग 1.5 लाख ई रिक्शा हैं, जिनमें से केवल 1 लाख ही फिटनेस कराते हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीते दिन जम्मू के कठुआ में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। भाषण देते हुए खड़गे की तबीयत खराब हो गई और वो मंच पर ही गिर पड़े, लेकिन वो फिर उठे और उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोला। अब उनके इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। शाह ने कहा है कि खड़गे ने अपनी कटुता का परिचय दिया है, ये अत्यंत ही घटिया और शर्मनाक बात है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज़।